फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के सैलई के पास छेड़छाड़ का केस वापस न लेने पर दो लोगों पर लाठी डंडे से किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बता दें, मामला है सैलई क्षेत्र का, जहां शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे क्षेत्र के निवासी दो लोगों पर नामजद लोगों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के पीछे छेड़छाड़ का केस वापस न लेने की वजह बताई जा रही है। फिलहाल मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। क्या बात है? साईं डेयरी चलाता हूँ। क्या हुआ था? मेरा छोटा वाला भाई है रामवीर शर्मा, उसकी शादी को छेड़खानी करता था आकाश शर्मा। उसने मुकदमा जा करके और थाना खैरगढ़ में लिखवा दिया था। जब थाना खैरगढ़ में मुकदमा लिखवा दिया था तो हम, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वालों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मुकदमा वापस ले ले, उन्हें तो उससे जान से मार देंगे। तो मैं डिफरेंसर में आ गया। आज क्या हुआ? मैं जब डिफरेंसर में आ गया तो मैंने मुकदमा थाना खैरगढ़ में वापस भी ले लिया है, लेकिन कोर्ट में मुकदमा वापस नहीं लिया है, ना ही मैं लूँगा। हम उधर से आ रहे थे तो सैलई पे आकर के उन्होंने, चार लोगों ने, सत्यवान शर्मा, आकाश शर्मा और आशीष शर्मा और शैलेन्द्र शर्मा ने हमें बहुत बेरहमी से मारा है। धार धार हथियार से हमारी चांदनी फाड़ी है, इसकी चांद तमंचा की बट से फाड़ी है और हम बहुत पीड़ित हैं और उनसे कानूनी कार्रवाई की जाए।